उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यूपीएससी के समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रीलिम्स परीक्षा 20 सितंबर को जिले के 49 केंद्रों पर आयोजित की गई है। रविवार को दो पालियों में आयोजित परीक्षा में 23,130 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। ये परीक्षा दो पालियों में है, प्रातः 9:30 से 11:30 और अपराह्न में 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच ये परीक्षा होनी है। सभी सेंटरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि फुल्ली सैनिटाइज कर लें अपने पूरे फर्नीचर को, कमरों को, और वीडियोग्राफी कराते हुए पेपर्स को खोलेंगे। हर कमरे में CCTV लगा रहेगा जो पूरी रिकॉर्डिंग करेगा परीक्षा के दौरान, और इसके अलावा जिन कमरों में CCTV नहीं है वहाँ पर वीडियोग्राफी कराने के निर्देश हैं। सील्ड लिफाफे कमरों में जाएंगे। इन्विजिलेटर को ये नहीं पता होगा एक दिन पूर्व तक, सिर्फ जब परीक्षा का पैकेट खुलेगा तब बताया जाएगा कि आप फलाना कक्ष में जाएं। और सेकंड पाली में उनका कक्ष बदल दिया जाएगा, वो भी उन्हें गोपनीय पैकेट दिया जाएगा परीक्षा के कक्ष में जाने के लिए, तब बताया जाएगा कि आपको इस कक्ष में जाना है। तो पूरी स्वच्छता के साथ नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए शासन पूरी तरह से तैयार है। सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी केंद्राध्यक्षों और सेक्टर और मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सभी प्रिंसिपल साहिबान की कल बैठक NXC भवन में ले ली गई है। उनको सभी निर्देश दे दिए गए हैं और आयोग की बुकलेट भी उनको प्राप्त करा दी गई है कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सर, कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए वो बच्चे अपने साथ सैनिटाइज़र भी ला सकते हैं, मास्क भी ला सकते हैं, और हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब को भी निर्देशित कर दिया है कि आप सैनिटाइज़र हर कक्ष में रखें, और जो बच्चे मास्क भूल जाएं तो उनको मास्क भी आप दे दें, मास्क भी अलग से खरीद के रखें। और कितने देर पहले पहुंचना है, पहुंचना है 1 घंटे पूर्व जो है परीक्षा से इनको कक्ष में प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन 15 मिनट पूर्व परीक्षा से फिर उनको प्रवेश किसी को कक्षा में जाने का नहीं है।